नमस्कार, मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार सिंह, कंसल्टेंट ENT एंड हेड एंड नेक सर्जरी, जयप्रभा मेदांता सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल कंकड़बाग पटना से हूं। आज एक हम डिफ़िकल्ट केस के बारे में बात करना चाह रहे थे, और कोविड के टाइम पे हमने ब्लैक फंगस या म्यूकर के केसेस बहुत सारे देखे हैं, बट कोविड के बाद जो अभी कोविड का एरा ऑलमोस्ट ख़त्म होने के फेज़ में है, इस समय म्यूकर के केसेस पाया जाना थोड़ा सा रेयर और अनकॉमन है। ये अलग बात है कि जहाँ पे इम्यूनिटी थोड़ी डाउन होती है, जिनके डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड होते हैं, वहाँ पे इस तरह के केसेस देखे गए हैं पहले भी। ये केस है मिसेस शीला कुमारी, 62 इयर्स ओल्ड हैं, और हमारे पास 26 अप्रैल को यहाँ पे दिखाने के लिए आए थे। मैं शीला कुमारी सिवान जिले की रहने वाली हूँ। मुझे सर में अचानक नाक में दर्द हुआ, ये सब उसके बाद में मेरे घर वाले यहाँ लेके आए, और सर जितेंद्र कुमार से दिखाए, वाले से मैं ठीक हूँ। मेरा नाम मनीष कुमार आज़ाद है, मैं पेशेंट शीला कुमारी का अटेंडेंट और उनका बेटा हूँ। डॉक्टर जितेंद्र कुमार सिंह ENT स्पेशलिस्ट, उनसे मिल के उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि ऑपरेट करना पड़ेगा इनको ब्लैक फंगस और माइक्रोमाइसिस करके कुछ बताया उन्होंने। 26 अप्रैल के पहले उनको करीब एक महीने से बाएं साइड में सर में दर्द और आँख में दिक्कतें हो रही थी, भारीपन लग रहा था, नाक से रुक रुक के कई बार खून वगैरह आने की शिकायत हुई थी, बट आँख का सूजन और दिखाई देने की दिक्कत उनको बहुत ज़्यादा हो रखी थी और आँख से दिखाई नहीं दे रही थी। एग्जामिनेशन के बाद हमें समझ में आया कि नाक में गंदगी जमी हुई है, डेब्रीज है, सूखे हुए डेड टिश्यूज़ हैं, और दिखाई का उनका दिक्कत बहुत ज़्यादा है, जिसमें बिल्कुल ही नील के बराबर उनका देखने का दिक्कत है बाएँ आँख में। बायोप्सी वगैरह हमने लेने का कोशिश किया और CT स्कैन और MRI वगैरह करवाया, जिसमें हमें ये समझ में आया कि ये चांसेस हैं कि इतने हाई ब्लड शुगर 400 या 500 मिलीग्राम के एवरेज में जब उनका ब्लड शुगर चल रहा हो तो म्यूकर माइकोसिस का केसेस बन सकता है। बायोप्सी और सर्जरी के दौरान ये प्रूव भी हुआ है कि ये म्यूकर माइकोसिस का केस है, और हम लोग म्यूकर माइकोसिस के केस में पहली दफ़ा फंगल लोड डाउन करना और जितने डेड टिश्यूज़ हैं उसको हटाने का सबसे प्राथमिक काम करना ज़रूरी होता है। समय रहते हमने ये कोशिश की, और उसके बाद एम्फोटेरिसिन B भी स्टार्ट किया है, जो पेशेंट का आज 8वां 9वां दिन एम्फोटेरिसिन B चल रहे हैं। एक हफ्ते के आसपास हमने उनको एडमिट करके रखा है और आज उनको डिस्चार्ज कर रहे हैं हम, ताकि वो घर पे अपना इलाज करवाएं और फिर बीच बीच में उनकी सफाई के लिए हम लोग को यहाँ बुलाएंगे। बट शुगर भी अभी बहुत अच्छा कंट्रोल है, हम उम्मीद कर रहे हैं कि एक महीने के अंदर में जो थोड़ी बहुत उनकी दिखाई देने की शक्ति है वापस हो पाए। ऑल्दो काफ़ी लेट से रिपोर्ट करने के बाद आँख का विज़न रिटर्न होना थोड़ा मुश्किल होता है, और मैं यही मैसेज लोगों को देना चाहता हूँ, अपने बिहार वासियों को देना चाहता हूँ, और मेडिकल से जुड़े हुए बाकी लोगों को भी बताना चाहता हूँ। डायबिटीज़ एक खराब बीमारी है, उसका कंट्रोल में होना बहुत ज़रूरी है। डायबिटीज़ यदि अनकंट्रोल्ड है और नाक की कोई दिक्कत है, नाक से कुछ खून आ रही है या गंदे स्मेल आ रही है, तो ENT सर्जन को एक बार दिखाना ज़रूरी है, एक इंडोस्कोपी ज़रूरी है, ताकि फंगस का कुछ केस है कि नहीं इसको समझा जा सके। पेशेंट हमारे पास जब कुछ लेट से आते हैं, उनका विज़न लॉस हो जाता है, तो आई का विज़न रिकवरी होना काफ़ी मुश्किल है और कई बार नहीं हो पाता है। कुछ केसेस में जहाँ पे बहुत सीवियर इन्फेक्शन फैल जाता है, फंगस का लोड काफ़ी हो जाता है और वो नाक के रास्ते से आँख में और ब्रेन तक चला जाता है, नाक और गले के पीछे के हिस्से में चला जाता है, कई बार हमें ओपन सर्जरी भी करनी पड़ती है, न्यूरोसर्जन के थ्रू ब्रेन को भी खोलने की ज़रूरत पड़ती है, और प्लास्टिक सर्जन और मैक्सिलोफेशियल सर्जन के साथ आँख हटाने की भी ज़रूरत पड़ जाती है। इन सारे चीज़ों के बीच में हमारी ये पेशेंट मिसेस शीला कुमारी थोड़ा लेट से आई, बट अभी तक हमारा रिकवरी बेहतर है, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि अगले 2 हफ्ते में और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे इम्प्रूव कर पाएंगे। धन्यवाद।